बात को लेकर सरकार की तरफ से एक रोडमैप भी तैयार हो गया है, क्या कुछ कहना है सरकार के नुमाइंदों का, चलिए सुनते हैं। मैंने कहा इस प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में लगातार जनता ने तीसरी बार जनादेश दिया है और 14 साल सरकार के पूर्ण होने जा रहे हैं और इसीलिए हम लोगों ने इन 14 सालों में क्षेत्र की समस्या, प्रदेश की समस्या किस तरह हम हल कर सके हैं। और मैं तो कहता हूं कि आज गृह विभाग, जेल विभाग और पीएचई विभाग के संबंध में मैंने चर्चा किया है। छत्तीसगढ़ बढ़ता हुआ विकास दिखाई दे रहा है और विकास के माध्यम से ही मैंने कहा नस्ल समस्या समाप्त होगा। तो आज हम पूरे प्रदेश में हम देखें तो आज आम आदमी की आर्थिक स्थिति भी सुधरा है, विकास हो रहा है, चारों तरफ रोड के निर्माण हो रहे हैं, इससे आज पूरे प्रदेश में शांति सुरक्षा का जो माहौल बना है, जनता का विश्वास शासन के प्रति बढ़ा है। और आज हम देखते हैं कि जो राज्य गठन के समय हमारे जो पुलिस बल की जो स्थिति थी 22,520 उस समय स्वीकृत पद थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि इन 14 सालों में 49,175 नए पद स्वीकृत किए गए हैं, जो आज बढ़ करके पूरे प्रदेश में 75,000 के आसपास 453 हो गई है। तो हम देखते हैं कि पुलिस हमारी सुरक्षा में इतने विकास अगर हो रहे हैं तो पुलिस बल की सुरक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। बस्तर क्षेत्र में जो विकास जो हो रहा है, जो पुलियों का निर्माण हो रहा है, रोडों का पक्की रोड बनाए जा रहे हैं, अब हमारे जनता तक पहुंचने के लिए हमारे अधिकारी कर्मचारी हमारे प्रशासन वहां तक पहुंच रहा है और निश्चित है कि सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर के आज आम जनता आगे बढ़ सकते हैं। और नक्सली पुनर्वास नीति जो बना है उसके कारण भी बहुत सारे नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इस प्रदेश में 2003 के पहले जो स्थिति मैंने कहा कि नक्सल समस्या पूरे उत्तरी क्षेत्र से लेकर दक्षिणी क्षेत्र में काफी प्रभावित था, आज उन क्षेत्रों में हम बस्तर संभाग में भी लड़ाई जारी है और उत्तरी क्षेत्र में हम पूर्ण रूप से नक्सल समस्या को समाप्त किया है और आज हम बस्तर क्षेत्र के समस्या को लेकर के हम चिंता है। हमारे पुलिस के फोर्स और सीआरपीएफ के जवान हमारे जो बस्तर संभाग है उन क्षेत्रों में दबाव बना रखे हैं और इसी का परिणाम है कि लगातार नक्सली बौखलाहट में कई घटनाएं भी किए हैं लेकिन वो इधर उधर भाग भी रहे हैं और इसका लाभ हमें सरकार को मिल रहा है कि हमारे जवान लगातार मुस्तैदी से क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जो जेलों में जो सुधार हुआ है कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश तक बात किया जा सकता है और वहां पर हमारे पुलिस विभाग के जो आना जाना में जो समय ज्यादा पुलिस लगता था वो कमी आ रही है और न्यायालय प्रकरण में जल्दी न्याय करने में उन्हें न्याय मिलने में लाभ मिल सकता है। स्टडी पेशियों की भी एक व्यवस्था हर जेलों में किया जा रहा है ताकि जो परिजन अपने परिजन जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, वहाँ वकीलों से चर्चा करना चाहते हैं तो उस तरह का वहाँ पर स्टडियो पीसीओ के होने से भी जिलों में अच्छा लाभ मिल रहा है। सीसीटीवी का भी पूर्ण रूप से जो स्थिति है कि हमारे सीसीटीवी भी कमरे लगाए जा रहे हैं ताकि हमारे आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को और मजबूती से उसका लाभ। गृह मंत्री रामसेवक पैखरा से 14 साल बेमिसाल को लेकर हमारे स्टेट हेड आर के गांधी ने खास बातचीत की है। साल का सफर और आपका 5 साल का कार्यकाल, निश्चित तौर में ये देखने को मिला कि जो नक्सली घटनाएं थी वो कम हुई है इधर 5 सालों में, किस तरह से? निश्चित है लगातार हमारे पुलिस के फोर्स और सीआरपीएफ के जवान हमारे जो बस्तर संभाग है उन क्षेत्रों में दबाव बना रखे हैं और इसी का परिणाम है कि लगातार नक्सली बौखलाहट में कई घटनाएं भी किए हैं लेकिन वो इधर उधर भाग भी रहे हैं और इसका लाभ हमें सरकार को मिल रहा है कि हमारे जवान लगातार मुस्तैदी से उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और मैंने कहा कि बस्तर क्षेत्र में जो विकास जो हो रहा है, जो पुलियों का निर्माण हो रहा है, रोडों का पक्की रोड बनाए जा रहे हैं, अब हमारे जनता तक पहुंचने के लिए हमारे अधिकारी कर्मचारी हमारे प्रशासन वहां तक पहुंच रहा है और निश्चित है कि सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर के आज आम जनता आगे बढ़ सकते हैं। और नक्सली पुनर्वास नीति जो बना है उसके कारण भी बहुत सारे नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और उसका लाभ भी मिलेगा। रोड मैप जो आपने बनाया 2022 तक का, किस तरह से पूरा? नहीं, मैंने कहा रहा कि आज छत्तीसगढ़ बढ़ता हुआ विकास दिखाई दे रहा है और विकास के माध्यम से ही मैंने कहा नस्ल समस्या समाप्त होगा। तो आज हम पूरे प्रदेश में हम देखें तो आज आम आदमी की आर्थिक स्थिति भी सुधरा है, विकास हो रहा है, चारों तरफ रोड के निर्माण हो रहे हैं। तो नक्सल समस्या तो मैंने कहा कि ये तो जहाँ पर पिछड़ापन है, जहाँ पर आदिवासी वर्ग के लोग हैं, वहीं नक्सली उनको गुमराह करके अपने पक्ष में रखा है। लेकिन आज उसमें सिर्फ नक्सल मुद्दा ही रहा लेकिन अन्य विभाग भी जो हैं उन विभागों में अगर इस विकास की बात की जाए तो क्या आप विकास? नहीं, विभिन्न सभी क्षेत्रों में मैंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हो,
चाहे हमारा विकास हमारे पीडब्ल्यूडी के माध्यम से जो काम हो रहा है, आपसे संबंधित जो विभाग, आपसे संबंधित जो विभाग हमारा पीएचई है, पीएचई की स्थिति काफी अच्छी है कि हम शुद्ध जल दे सके रहे हैं। जहाँ पर हमारा फ्लोराइड क्षेत्र है, आयरन क्षेत्र है, हमारा आर्सेनिक है, जैसे चौकी क्षेत्र में आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र है, बेमेतरा, इन क्षेत्रों में फ्लोराइड की जो स्थितियाँ हैं, सारे क्षेत्रों में हमारे ग्रुप स्कीम के माध्यम से नदियों का जल को हम शुद्ध करके गाँव तक पाइपलाइन विस्तार करके शुरुआत किया है। ग्रुप स्कीम का लाभ आम जनता को मिल रहा है। तो आम जनता को तमाम योजनाओं का जो लाभ है रमन सरकार के जो 14 साल है बेमिसाल के, उसमें कहीं ना कहीं मिलता नजर आ रहा है। और ये तमाम बातें आपके गृह मंत्री रामसेवक पैकरा जी ने कही। कैमरामैन डीके सिन्हा के साथ आपके गांधी साधा न्यूज। पहले इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। खबरों के लिए देखते रहे सामान्य।